इसरार होनी आ रहे सी जी, अज कटिंग शटिंग करवाते उन्होंने मेनू भी फोन करके सद लिया। रेहान ने मोटरसाइकिल कढ़िया ते असी निकल गए जी उन्होंने कोल। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है, वालो सारे शुरू करते हैं जी असी अज दा मिठा ते प्यारा जा व्लॉग। साडे पहुंचन तो पहले ही नाई दी दुकान ते इसरार, जुनैद ते अहमद भाई आए बैठे सी। उत्थे खड़े होके इन्हां नाल थोड़ी गपशप लाई ते इन्हां नूं नाई कोल छड्ड दित्ता। मैं जाना सी जी अपनी सिस्टर नूं लैण ते मैं आ गया जी ओहदे स्कूल। अपनी सिस्टर नूं घर छड्डिया ते उमर समर मैनूं तंग करन लग गए कि सानूं चीज दिलवा के लिया। इन्हां नूं बाजारों आके चीज दिलवाई ते मैं आ गया जी घर। घर आया ते इसरार हुनी भी कटिंग करवा के ते साडी बैठक के चाय बैठे सी। फिर जी असी दो मोटरसाइकिल लईआं क्योंकि अज साडा किरोड पक्के जाण दा प्लान सी। असी सारे जी ने मोटरसाइकिल ते बह के ते रवाना हो गए। सब तो पहले बाइक दा ढिड फुल करवाया ते फिर असी अपना सफर शुरू किया। ठंडी हवा दा मजा लेंदे हुए, सारे गप शप लगांदे हुए, देहात दा माहौल देखदे हुए ते असी तकरीबन 30 किलोमीटर दा सफर तय कर लिया। असी दूसरे मोटरसाइकिल कोलो काफी अगे निकल आए सी ते फिर असी एक जगह ते खड़े होके ते उन्हां दे आन दा इंतजार किया। तकरीबन 10 मिंट इंतजार करन तो बाद ओह भी आ गए ते फिर असी अपना सफर दोबारा जारी किया। तकरीबन 38 किलोमीटर दा सफर करके ते असी आखिरकार पहुंच गए जी करोड़ पक्के। सफर विच मिट्टी मुंह ते पै पै के बुरा हाल हो गया सी ते फिर असी मोटर चला के ठंडे पानी नाल मुंह धोता, फिर लशपश होके ते आगे बह गए जी कुर्सी ते। ते है जी इशफाक भाई जिन्हां ने अज सानू अफतारी करान लई अपने कोल बुलाया सी। अफतारी तकरीबन 20 मिंट पए सी ते फिर असी दुकान बंद कीती क्योंकि अफतारी दा इंतजाम ते उन्हां दे घर सी ते असी उन्हां दे घर जाना सी। इत्थे अफतारी च बह के असी सारे रोज़ा खुलन दा इंतजार कर रहे सी ते इशफाक भाई ने फटाफट दस्तरखान सजा दिता। खाने नूं वेख वेख के कसमे रोज़ा बहु लग रहा सी। रोज़ा खुलन च तकरीबन मजीद 5 मिंट रह गए सी ते फिर असी दुआ मंगी ते फिर पेट पूजा कीती। ते है जी खाना खान तो बाद दस्तरखान दा हाल। रोजा खोल के ते असी मस्जिद दे जाके नमाज मगरिब अदा कीती ते फिर असी बैठक च बैठ के गपशप लगाई। इन्नी देर चाय भी आ गई जो कि बहु लाजवाब बनी हुई सी। असी चाय पी रहे सी ते इन्नी देर रजा भाई भी आके बोतल लेके सानू मिलन क्योंकि उन्हां दा घर भी करोड़ पक्के विच ही सी। बोतल शोतल पीती ते फिर असी सोचिया कि रोड पक्के विच काफी पुराने हिंदुआं दे टाइम दे मकान सी, उन्हां दा विजिट कीता जावे। ते फिर की जी असी निकल गए जी विजिट करन। सब तो पहला तुसी वेखो 52 कमरे वाली किसी नवाब दी बनवाई हुई कोठी। हुण ते इहदा कोई चर्चा नहीं पर अपने टाइम च तां बहु अरूई सी। ऐ है जी इहदी दूसरी साइड। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1700 ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਨੇ ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜੁਮਾ ਮਸਜਿਦ। ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਲਗਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 9 ਗਜ਼ ਲੰਬੀ ਕਬਰ ਵੀ ਦੇਖੀ। 9 ਗਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਫੁੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਵਾਪਸੀ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਲੋਧਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਰਵਾਨਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਤਕਰੀਬਨ 38 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਘਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।